जैस्मीन तेल और टाइड सरप का डुप्लीकेट निर्माण करने वाला का अब होगा कार्रवाई। आगरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक के समीप एक ऐसा फैक्ट्री में आज छापेमारी हुआ जिसके बारे में जानने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। आप सोच रहे थे कि हमारे कम उम्र में बाल कैसे उड़ जाते हैं, बाल कैसे पक जाते हैं, उसका खुलासा आज हम करेंगे। जब जैस्मीन और टाइड कंपनी का लीगल टीम और सकरत थाना उस गोदाम पर पहुंचा तो वहां से आरोपित जो था फरार हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट हिमांशी न्यूज के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर में आए हुए हैं। अभी अभी पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर रेड पड़ा है, और रेड काहे पड़ा है जो स्क्रीन पर वीडियो आप देखिए कि जो जैस्मीन का तेल होता है जो सबसे महंगा दामों में बिकता है, और उसके बाद टाइड का जो सरफ होता है वो भी सबसे महंगा दामों में बिकता है, यानी कि जो पूरे हिंदुस्तान लेवल तक ये काम करता है। लेकिन यही गोदाम जो हम जहाँ पर अभी आए हुए हैं यहाँ पर पुलिस का धावा बढ़ा, और जो जैस्मीन का जो लीगल टीम होता है उसके माध्यम से यहां पे रेड पड़ा, और रेड के माध्यम से यहां पे सैकड़ों बोतल, मतलब कहा जा सकता है लाखों रुपया के सामान यहां से जब्त किया गया है। हम आपको आइए पहले हम बताते हैं कि यह गोदाम है, और यही गोदाम में मतलब है जो ये लगता है कि अंदर से बंद है, ये अंदर से बंद है और इसमें ताला मारा हुआ है, और हम आपको आगे जानकारी देंगे। स्क्रीन पर चलता हुआ वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार का है, मतलब यही दुकान है, कोई दुकान नहीं है, ये मार्केट है पूरा। कई तरह का दुकान अपना लोग खोल के अपना रोजगार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड काम किया जा रहा था जो पुलिस को पता चला, गुप्त सूचना मिला, और गुप्त सूचना पर आया। जब लीगल टीम से मुझे बात हुआ तो उनके माध्यम से कहा गया है कि हम 4 महीना से लगातार निगरानी में थे, जब ये बंद नहीं करके और ज़्यादा ही मात्रा में ये बिजनेस को बढ़ाने लगे तब हमें कार्रवाई करना पड़ा, और वो लोग सकरा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही तक बात थमी नहीं, और आगे की कहानी जरा सा आप जान लीजिए। जो यह पीछे चलता हुआ जो रैपर आप देख रहे हैं, जो बोतल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डुप्लीकेट है। जी हाँ, लीगल टीम जो जैस्मीन और टाइड सरफ का जो लीगल टीम होता है जो मार्केट में घूमता रहता है, उसको पता चला, उसको पता आज ही नहीं बल्कि 4 महीना पहले चला था। वो अपने स्तर से जांच में जुटे हुए थे, यानी कि 4 महीना पहले से वो यह जांच कर रहे थे कि ये आखिर करता है तो क्या करता है। आपको हम फिर से बताना चाहेंगे कि सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक के समीप एक बड़ा सा मार्केट है, वह मार्केट के अंदर यानी कि एक गोदाउन बना हुआ था, वह गोदाउन के बारे में लीगल टीम जो जैस्मीन और टाइड कंपनी का था उसको पता चलता है। पता चलने के बाद वह सकरा थाना को सूचित करता है, और सकरा थाना के सहयोग से वह सभी सामानों को जब्त करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जो दोषी था, जो इसका काम करता था, जो डुप्लीकेट सरफ और जैस्मीन का तेल बनाता था, वो मौके स्थल से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन थाना में आवेदन दिया गया है, नामजद आवेदन दिया गया है, पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। पहले आप सकरा थाना के थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल जी क्या कुछ बोले, पहले वह सुन लीजिए। सकरा के सरमसपुर में जैस्मीन तेल और टाइड का सरफ का भरे मात्रा में जब्ती हुई है, और तैयार किया जा रहा था वहाँ पे डुप्लीकेट का, क्या कुछ कार्रवाई हो चुका है? आज सूचना मिली कि सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक पे एक दुकान में नकली तेल का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही नकली टाइड कंपनी का सरफ का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके पश्चात पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी भी की गई। छापेमारी के क्रम में वहां से 90 ml के 1900 पीस जैस्मीन तेल और फिर खाली बोतल 2500 पीस, 190 ml का 90 पीस जैस्मीन तेल, और बहुत सारे रैपर्स टाइड कंपनी की बरामदगी हुई, जिसका बाज़ार मूल्य लाखों में आका जा रहा है, और साथ ही वहाँ पर सील मशीन भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। नामजद कितने आदमी नाम जद किया गया है, और हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उनकी भागने में सफल रहे हैं घटनास्थल से, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। क्या पर्चे? SI राजू कुमार पाल, कम SHO सकरा PS। जी हाँ, जैसे कि जैस्मीन के और टाइड सरफ के लीगल टीम जो थे उनके माध्यम से थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि 90 ml का जो जैस्मीन का बोतल रहता है यानी तेल का, वह टोटल पीस था, उसके बाद खाली बोतल जो होता है वो 2500 पीस था, उसके बाद 180 ml का जो जैस्मीन का बोतल होता है जिसमें तेल भरा हुआ है वो 90 पीस था, और बहुत सारे रेपर और बहुत सारे खाली बोतल और कई सारे बोरा में सरफ मिला, जो आप स्क्रीन पर चलता हुआ देख सकते हैं। सकरा थाना की टीम बड़ी ही मुस्तैदी से यहाँ पे छापेमारी की, और छापेमारी में सभी सामान को जब्त किया गया है। आपको हम फिर से बता दें कि जो यह तेल का इस्तेमाल करते हैं, लोग कहा जाता है कि
समय होने से पहले किसी का बाल पक जाता है, किसी का बाल झड़ने लगता है, या ऐसी ऐसी घिनौनी काम करने वाले, ऐसे ऐसे हरकत करने वाले लोगों के कारण किसी का अच्छा खासा चेहरा बदल जाता है, किसी के समय से पहले बाल पक जाते हैं तो किसी के बाल उड़ जाते हैं, यही सब के कारण। यानी कि उस पर बहुत ही गंभीर रूप से कार्रवाई की जा रही है और यह मामला संज्ञान में आते ही पूरे भौचाल छा गया। लेकिन जो इसका इस बनाता था, जो फैक्ट्री खोले हुआ था, जो गोदाम खोले हुआ था, वो मौके स्थल से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी के आश्वासन राजू कुमार पाल जी के माध्यम से दिया गया। लेकिन अब आप खुद बताइए कि इस प्रकार के धंधे करने वाले को क्या सजा मिलना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि जो यह काम करता था उसके माता यही महीना में यानी कि 2 फरवरी को मर गई थी, यानी कि उसका मौत हो गया था। उसी के कारण उसको काफ़ी कर्ज लेना पड़ा, इसलिए और ज़्यादा मात्रा में यह बिजनेस को बढ़ा दिया। और जो यह सप्लाई करता था, सूत्रों से मिली जानकारी ये भी है कि जो यह सप्लाई करता था ये कई सारे मार्केट पकड़े हुए थे, जो कम दामों में, बहुत ही कम दामों में उसको परचेज करवा देते थे और उसे पैसा वसूल लेते थे। लेकिन और दुकानों में छापेमारी अगर की जाएगी तो हो सकता है कि कई दुकानों में इसका माल पकड़ा जाएगा जो बिल्कुल डुप्लीकेट है। आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज़, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।